दोस्तों स्मिता पाटिल जी की पहली हिंदी फिल्म आई थी साल 1975 में निशांत और इनकी यह फिल्म एवरेज हुई थी। इसी साल इनकी दूसरी फिल्म आई थी चरणदास चोर और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद साल 1976 में इनकी तीसरी फिल्म आई मंथन और दोस्तों यह हिट रही। इसके बाद 1977 में आई थी भूमिका और यह एवरेज हुई थी। इसी साल ही आई थी गमन और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद साल 1980 में इनकी फिल्म आई थी द नक्सलाइट्स और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई थी अल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आता है और दोस्तों यह डिजास्टर हुई थी। इसी साल ही आई थी आक्रोश और यह हिट रही। इसके बाद साल 1981 में स्मिता जी की फिल्म आई चक्र और दोस्तों यह हिट रही। इसी साल ही आई थी तजुर्बा और यह फ्लॉप हुई थी। इसी साल ही आई थी सदगति और दोस्तों इसे टेलीविजन पर प्रसारित की गई थी। इसके बाद 1982 में स्मिता जी की फिल्म आई नमक हलाल और भाई साहब स्मिता जी की यह फिल्म तो सुपरहिट हुई थी। इसके बाद आई बाजार और यह सेमी हिट हुई थी। इसी साल ही आई थी बदले की आग और यह एवरेज हुई। इसके बाद आई थी दिले नादान और यह भी एवरेज हुई थी। इसी साल ही आई थी शक्ति और दोस्तों यह भी एवरेज हुई थी। इसी साल ही आई थी अर्थ और दोस्तों यह तो हिट रही। इसी साल ही आई सितम और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई थी दर्द का रिश्ता और यह भी फ्लॉप रही। इसके बाद आई थी भीगी पलकें और यह सेम हिट हुई थी। इसके बाद साल 1983 में आई थी चटपटी और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई घुंघरू और यह भी फ्लॉप रही। इसी साल ही आई कयामत और यह भी फ्लॉप रही। इसी साल ही आई अर्ध सत्य और यह भी फ्लॉप रही। इसी साल ही आई मंदी और यह भी फ्लॉप रही। इसी साल ही आई हादसा और भाई साहब यह भी फ्लॉप रही। इसके बाद साल 1984 में इनकी फिल्म आई फरिश्ता और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई हम दो हमारे दो और यह एवरेज रही। इसी साल ही आई थी आज की आवाज और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई रावण और यह भी फ्लॉप रही। इसी साल ही आई थी पेट प्यार और पाप और दोस्तों यह तो अबव एवरेज हुई थी। इसके बाद आई थी कसम पैदा करने वाले की और दोस्तों यह हिट रही। इसी साल ही आई तरंग और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई शपथ और यह भी फ्लॉप रही। इसी साल ही आई मेरा दोस्त मेरा दुश्मन और यह दिलो एवरेज हुई थी। इसी साल ही आई थी कानून मेरी मुट्ठी में और यह भी बिलो एवरेज हुई थी। इसके बाद आई थी गिद्ध और यह एवरेज हुई थी। इसी साल ही आई आनंद और यह फ्लॉप रही। इसके बाद साल 1985 में इनकी फिल्म आई जवाब और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद स्मिता जी की फिल्म आई गुलामी और भाई साहब स्मिता जी की यह फिल्म तो सुपरहिट हुई। इसके बाद आई थी मेरा घर मेरे बच्चे और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई आखिर क्यों और यह एवरेज हुई थी। इसी साल ही इनकी फिल्म आई थी देव शिशु। इसके बाद साल 1986 में आई थी शत्रुधर और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई कांच की दीवार और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसी साल ही स्मिता जी की फिल्म आई दिलवाले और भाई साहब यह तो सुपरहिट हुई थी। इसी साल ही आई थी तीसरा किनारा और यह बिलो एवरेज हुई थी। इसी साल ही आई आपके साथ और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई थी अमृत और भाई साहब स्मिता जी की यह फिल्म सुपरहिट हुई थी। इसके बाद आई थी अनोखा रिश्ता और यह फ्लॉप हुई थी। इसी साल ही आई दहलीज और यह डिजास्टर हुई थी। इसी साल ही आई अंगारे और यह एवरेज हुई थी। इसके बाद साल 1987 में स्मिता जी की फिल्म आई इंसानियत के दुश्मन और भाई साहब स्मिता जी की यह फिल्म सुपरहिट हुई थी। इसी साल ही आई थी मिर्च मसाला और यह फ्लॉप हुई थी। इसी साल ही आई थी नजराना और यह एवरेज रही। इसके बाद आई डांस डांस और भाई साहब यह तो सुपरहिट हुई थी। इसी साल ही आई थी राही और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई आवाम और दोस्तों यह तो हिट रही। इसी साल ही आई ठिकाना और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई थी आज और यह भी फ्लॉप रही। इसी साल ही आई शेर शिवाजी और मेरे दोस्त यह भी
फ्लॉप रही। इसके बाद 1988 में इनकी फिल्म आई वारिस और दोस्तों यह तो हिट रही। इसके बाद 1989 में इनकी फिल्म आई ऊंच नीच बीच और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई गलियों का बादशाह और यह भी फ्लॉप रही। तो दोस्तों यह था स्मिता जी का फिल्मी सफर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दे ताकि आप हमारे वीडियो को मिस ना कर सके। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम।